कोतवाली थाना अंतर्गत भेनीगंज चौकी इंचार्ज बबलू कुमार पर उत्पीड़न और अपने भाई की पिटाई का आरोप लगाते हुए शिवानी यादव ने शनिवार को मीडिया के माध्यम से चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने रविवार को चौकी प्रभारी भेनीगंज बबलू कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत मियाँ बाजार के निवासी रोहित कुमार यादव पुत्र अशोक कुमार यादव की मोटरसाइकिल पल्सर 220 सीसी नंबर UP 53 DM 3768 जो बीते कुछ दिन पहले गोलघर काली मंदिर के समीप से लूट ली गई थी। पीड़ित को गाड़ी देने के बहाने भेनीगंज चौकी इंचार्ज द्वारा थाने पर बुलाया गया। आरोप है कि इनको बंद करके बुरी तरह से मारा पीटा गया व उत्पीड़न किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं इस मामले पर पीड़ित परिजनों ने SPCT सोनम कुमार से भेनीगंज चौकी इंचार्ज द्वारा मारने पीटने तथा उत्पीड़न करने का शिकायत की थी। इस मामले में SPCT ने CO कोतवाली को जांच के आदेश दिए थे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि रोहित कुमार, जिसकी विष्णु मंदिर के पास कपड़े की दुकान है, एक दरोगा साहब हैं बबलू सोनकर जो तत्कालीन भेनीगंज चौकी इंचार्ज हैं और राकेश कुमार उनके हमराही सिपाही, यह दोनों लोग लगातार इनके कपड़े की दुकान से वसूली करते थे। कपड़ों का पैसा मांगने पर उन्होंने रोहित को उनके घर से उठाकर कोतवाली थाने में 29 तारीख को दोपहर में बंद कर दिया। 29 तारीख 30 तथा 31 तारीख को लगातार उन्होंने इसको मारा, जिसको लेकर पीड़ित की बहन शिवानी यादव ने शनिवार को प्रेस क्लब में आरोपी दरोगा और पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए SSP दिनेश कुमार प्रभु ने चौकी इंचार्ज बबलू कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित की बहन शिवानी यादव और SPCT सोनम कुमार ने कहा, मेरा नाम शिवानी यादव। 31 तारीख की शाम का मामला है। मेरे भाई को भेनीगंज चौकी इंचार्ज बबलू सिंह सोनकर और राकेश कुमार सिपाही, ये लोग बोले कि गाड़ी के मामले में साइन करने और पूछताछ करने ले चलना है, चलो। भैया ये लोग कोतवाली में भी तैनात रहते हैं, है ना? ये लोग कोतवाली में भी तैनात रहते हैं, आते जाते हैं। इन्हीं को ये मुकदमा देखने को ये मिला, गाड़ी वाला इन्हीं के हाथ में। या तो इन्होंने फ़ोन किया कि रोहित इत्तेफाक से मुकदमा तो तुम्हारा हम ही लोगों के हाथ में आ गया है। भैया कहा तो इंसाफ दिला दिया, अरे तुम हम लोगों के साथ कौन सा इंसाफ किए थे? इनकी आपसी रंजिश है मेरे भाई से। कपड़े की दुकान है मेरे भाई की असुरन पे, वहाँ से ये लोग कपड़ा उठा के ले जाते थे। हमेशा 48,000 का बिल बन गया भैया, हमेशा पैसा मांगता था तो कहते थे, कभी मूड में रहे तो कहते हैं कि हाँ जब सैलरी आएगी दे देंगे, कभी नहीं मूड में रहे तो बोले कि जाओ जिससे शिकायत करनी है कर दो, कुछ हम लोगों का बिगाड़ नहीं पाओगे, शासन प्रशासन सब हम लोगों के साथ है, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। फिर कप्तान साहब से जब आ करके उसने शिकायत किया तो कप्तान साहब ने बोला कि कप्तान साहब इन लोगों को बुलाएं, डांटे वाटे, फिर इन लोगों को 3-4 हज़ार रुपये मेरे भाई को दिलवाए। फिर इन लोगों की आपसी रंजिश चलने लगी। 10 दिन पहले जब गाड़ी गायब हुई तो 18 तारीख को, तो मेरे भाई ने मुकदमा किया लूट का कि गाड़ी गायब हो गई है। अब ये बबलू सिंह सोनकर क्या कह रहे हैं, गाड़ी का मुकदमा झूठा है, ये लूट का मुकदमा झूठा है। तो हमने कहा अगर लूट का, मेरे भाई से बोले इसी नाम से मुकदमा किए थे आपके भाई? हाँ, गाड़ी जो है वो बच्चे लेकर के गए थे, वहाँ जो मैरिज हाउस में पार्टी में गया था भैया, वहाँ मैरिज हाउस में जो शिवम और अमन नाम के बच्चे थे वो गाड़ी लेकर के गए थे। तो उन लोगों वो लोग तुरंत 1:30 बजे रात को गए वहाँ पे, अज्ञात लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, 4-व्हीलर में काली मंदिर के आगे, जिन्होंने मेरे भाई की गाड़ी की चाबी छीन ली और उन बच्चों को बहुत मारा, जो कि बच्चे छोटे थे, डर के मारे भाग गए और यहाँ SS पैलेस पे आकर के भैया से बोले कि आपकी गाड़ी की चाबी छीन ली है। तो ये लोग कोतवाली गए, वहाँ पर शिकायत की, मुकदमा दायर हुआ, SHO साहब का साइन और उस पर सब आप देख सकते हैं। फिर उसके 10 दिन बाद भी बबलू सिंह सोन कर कह रहे हैं कि गाड़ी तुमने गायब की और सादा पन्ना लेकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं इस पर साइन करो, मेरा भैया का साइन नहीं करेंगे। जबरदस्ती गाड़ी पे बैठा के थाने ले गए, 3 दिन तक टॉर्चर किए, ना खाना देने दिए गए, ना कुछ दिया गया। हम लोगों से जलील तरीके से बात कर रहे थे, जिसकी वीडियो मेरे पास है, मैंने आपको दे दिया। फिर मेरे भाई पे झूठा मुकदमा लगाने का वो कर रहे थे, मैंने कहा मेरे भाई ने कोई लूट नहीं किया, तो कह रहे हैं लूट का वीडियो हम लोग के पास बहुत है, हम लोग किसी में भी डाल देंगे। इस बात का भी मैंने वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के अगले दिन बाद जब मैं वहाँ पे गई, वीडियो लीक हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुमने अच्छा नहीं किया तुमसे, तो हम लोग देखेंगे आपके, मेरे भाई को इनकाउंटर की धमकी और हमको कह रहे देख लेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे भाई को छोड़िए, बोले नहीं छोड़ेंगे। मैं मंदिर गई, मंदिर से द्वारका बाबा से फ़ोन करवाए, उन्होंने 3rd दिन की बात है, उन्होंने जब फ़ोन किया तो इन्होंने उस पर 151 की चलान करके उसको यहाँ कचहरी लेके आए। जमानत होने के बाद से सिपाही बाहर खड़ा था, उन्होंने कहा कि बबलू सिंह सोनकर तुमसे मिलने आ रहा, रुको जाओ मत। भैया डर गया कि अब क्यों मिलने आ रहा, फिर मारेंगे। वो आए
उन्होंने सादा पन्ना, वही सादा पन्ना लेकर के जिसके लिए 3 दिन से मार रहे थे, बोले इस पे साइन कर दो रोहित वरना तुमको फिर उठाएंगे और इस बार लंबा भेजेंगे। भैया काम साइन नहीं करेंगे तब तक हमारे वकील आ गए। वकील ने बोला सादे पन्ने पे साइन क्यों करा रहे हो। तो ये भागने लगे बबलू सोनकर। तो भैया ने कहा मेरा गाड़ी और मोबाइल दे दीजिए। बोले गाड़ी मोबाइल मेरे पास नहीं है और रोहित तुमको 10 दिन के अंदर तुम्हारे दुकान से उठा करके तुम्हारा इनकाउंटर करें। फिर उस 10 दिन के अंदर तुमको तुम्हारे दुकान से उठा करके इनकाउंटर करेंगे। मेरे वकील वहाँ पे जितने लोग हैं सबके सामने उन्होंने ये बोला और गाड़ी स्टार्ट की और बहुत स्पीड में भागे ये दोनों लोग। फिर उसके बाद जब हम घर लेके आए भैया की तबीयत सही नहीं लग रही थी क्योंकि 3rd degree टॉर्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। और उसको ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम थी बचपन में। मैंने ये चीज़ बताया तो उन्होंने उसको सर पे मारा। उसका हार्ड का साइज बड़ा हुआ है तो उसके हार्ड पे मारा। उसका कंधा टूटा हुआ है उसमें रॉड पड़ा है, इन्होंने उसका हाथ पकड़ के खींच दिया और उस हाथ पे खींच खींच के मारे, जो कि रॉड पड़ने की वजह से कंधा फिर से टूटा तो नहीं लेकिन प्रॉब्लम हो गई है उसमें। फिर उसकी तबीयत अचानक से 4 तारीख को सुबह सुबह वो वॉशरूम से आया और गिर गया। 2-2 मिनट में गश्त खा के गिरता गया गिरता गया। हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन किए सदर हॉस्पिटल में, उसको एडमिट किया जाए, उसकी इलाज चल रही है। मेरी मांग यही है कि बबलू सिंह सोनकर और ये राकेश कुमार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और मेरी ये रिक्वेस्ट सिर्फ मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुझे उम्मीद उन्हीं से है, हमें पता है हमारी मदद वही करेंगे। वो जात पात ये सब नहीं देखते, वो सबकी मदद करते हैं जनता की। हम भी आम नागरिक हैं, जीने का हमको हक दे, मेरे भाई को जीने दे, मेरे भाई को झूठ में फंसाए ना। एक छोटे से लूट और लड़ाई झगड़े के मामले पर किसी को आप हिस्ट्री सीटर नहीं साबित कर सकते। हाँ, एसपी सिटी से मिली, उन्होंने बोला कि मामले की जांच चल रही है, आपको सूचित किया जाएगा। कल एडीजीपी ऑफिस गई थी, वो नहीं मिले, पीआरओ साहब मिले, एडिशनल एसपी मिले, उन्होंने बोला मामले की जांच चल रही है। आपके भाई के साथ मिसबिहेव तो बहुत ज़्यादा हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी बबलू सिंह सोनकर पे, राकेश कुमार सिपाही पे। और रही बात आपकी गाड़ी की, तो गाड़ी का वो लोग कहने झूठा मुकदमा। मैंने कहा गाड़ी मेरी कोतवाली में खड़ी है, मैं अपनी आँख से देख के, इन्होंने फ़ोन किया कोतवाली में पता किया, फिर ये बोले आपकी गाड़ी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसमें एक एप्लीकेशन मिला था हमारे पास और उसमें मारपीट की बात बताई गई थी। इस क्रम में इसका संज्ञान लेते हुए जो जांच है उसी कोतवाली को सौंपी गई है और चौकी प्रभारी बेनीगंज को लाइन हाजिर किया गया। इस संबंध में जो जाँच है वो सीओ कोतवाली को सौंपी गई है और जांच को जब पूरी हो जाएगी तो पूरी सच्चाई सामने आएगी।